जिस जगह यज्ञ हवन जैसे पुण्य कार्य न हो उस जगह रहना व्यर्थ है। जगत गुरु तरीचा कला क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत चचावली में आज विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 1008 श्री विष्णु महायज्ञ भूडेश्वर मंदिर पर आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भागवत व्यास पीठ पर विराजमान दीदी दिव्यांशी जी द्वारा सुंदर भागवत कथा का वर्णन किया जा रहा है। एवं यज्ञ में आज विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान रहे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज दिव्यदेश सुग्रीव किला श्री अयोध्या जी जगद्गुरु जी ने अपने सूक्ष्म वक्तव्य में कहा कि जिस जगह हवन यज्ञ धर्म कार्य जैसे पुण्य कार्य न हो उस जगह इंद्र जैसी सुख सुविधा भी अगर उपलब्ध है फिर भी उस जगह पर निवास नहीं करना चाहिए। यज्ञाचार्य पंडित श्री डॉक्टर विद्यासागर शुक्ला जी के सानिध्य में हवन कार्य संपन्न कराया जा रहा है, जिसमें वेदियों पर विराजमान मुख्य यजमान पंडित पंकज तिवारी, सहायक यजमान उमेश कौशिक, देवकीनंदन पटेल, राजीव साहू, पवन सेन एवं भागवत परीक्षित पंडित जयप्रकाश अग्निहोत्री विराजमान है तथा इस महायज्ञ में और भागवत श्रवण करने के लिए आसपास के ग्राम के लोग एवं ग्रामीण अधिक संख्या में पधार रहे हैं। एवं रात्रि में श्री बिहारीजू आदर्श कला मंच रामलीला मंडल द्वारा सुंदर रामलीला का मंचन भी किया जा रहा है, जिसमें आज रात्रि में सुंदर राम वनवास की लीला का मंचन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कलाकार रहे दशरथ के अभिनय में ठाकुर रामकुमार सिंह राम, अभिनेता दीपक सिंह क्षत्रिय, लक्ष्मण अभिनेता शिवा तिवारी जालौन, सीता जी के अभिनय में अंकुल तिवारी, व्यासपीठ पर पंडित प्रहलाद शर्मा, हास्य कलाकार पंडित कपिल शर्मा, नित्य कला पर रिकी रानी, प्रिया रानी, टीना रानी, पैट पर बीटू महाराज, नाल पर बबलू, मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में सुंदर लीला का मंचन किया जा रहा है।